गुड मॉर्निंग क्लास 8 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम यहाँ कर रहे हैं. फाइंड द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल्स विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली. बच्चों यहाँ पे हमको रेक्टेंगल है ये सब, ठीक है, इनकी लेंथ और ब्रेथ ही हमको गिवन है रेस्पेक्टिवली, मतलब कंटिन्यू. ये पी है, यहाँ पे लेंथ है, क्यू ब्रेथ है, यहाँ 10 mm लेंथ है, 5 mm ब्रेथ है, 20x स्क्वायर लेंथ है, 5y स्क्वायर ब्रेथ है, ठीक है. तो हमको इसका एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का. तो इन सब में एक ही फॉर्मूला लगेगा बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल. इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एल इंटू बी, ओके, लेंथ इंटू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, ओके. तो यहाँ फर्स्ट है पी क्यू, पी क्यू, इसका एरिया होगा बच्चों पी मल्टीप्लाई क्यू, लेंथ और ब्रेथ को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल बी पी क्यू, ओके. सेकंड में सब में यही फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ 10 mm ये लेंथ है और 5 mm इसकी ब्रेथ है ये वाली, और ये लेंथ 10 मीटर है, ठीक है, सॉरी 10 mm है. तो ये करेंगे हम 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एन, तो ये हो गया 10 5 50 और एम एन एज इट इज आ जाएगा, ठीक है. नाउ वी आर कमिंग ऑन क्वेश्चन नंबर थर्ड. 20x स्क्वायर रेक्टेंगल का लेंथ है और ब्रेथ है उसकी 5y स्क्वायर, तो एरिया फाइंड करना है अगेन लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके. ये हम लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर, 25 100 100 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आंसर. नाउ वी आर कमिंग ऑन फोर्थ, 4x और 3x स्क्वायर, ओके. इसका लेंथ और ब्रेथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, सेम है 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, 4 3 12, एक्स और एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स की पावर 3, ठीक है, एक्स क्यूब, 3 बार एक्स, 2 बार यहाँ है 1 बार यहाँ है. नाउ वी आर कमिंग ऑन फोर्थ, 3 mm इसकी लेंथ है और 4 mm ब्रेथ है, ठीक है. इसको हम एरिया निकालेंगे तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई एम मल्टीप्लाई एन मल्टीप्लाई अगेन एन मल्टीप्लाई पी, तो 4 3 12 हो गया. एम कितनी बार है बच्चों, यहाँ 1 बार ही है एज इट इज आ जाएगा, एन या 2 बार है, ठीक है, ये हो गया एम एन स्क्वायर सिंगल पी. थैंक यू. नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में.